बड़ी खबर इस वक्त की बरेली से आ रही है। बरेली में रेप और हत्या का मामला है। जी हां, पॉस्को कोर्ट ने आरोपियों को फांसी की सजा सुनाई है। बरेली में जघन्य निर्भया जैसी घटना को अंजाम देने वाले दो युवकों को पॉस्को कोर्ट ने आज फांसी की सजा सुनाई है। बरेली के नवाबगंज में 3 साल पहले 29 जनवरी 2016 को किशोरी के साथ दुष्कर्म किया गया था। सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया था। प्राइवेट पार्ट में भी डैमेज किया गया था। बड़ी ही दर्दनाक तरीके से ये घटना घटी थी और फिर हत्या कर जघन्य वारदात को अंजाम दिया गया था। दो युवक इसमें शामिल बताए जा रहे थे और कोर्ट ने इन्हें दोषी मानते हुए फांसी की सजा सुनाई है। तो बड़ी खबर बरेली से हम आपको बता रहे हैं। हत्या के मामले में रेप और हत्या, सामूहिक रेप की वारदात को अंजाम यहां दिया गया था और फिर हत्या कर दी गई थी। जघन्य अपराध एक तरह से, क्योंकि किशोरी के साथ ये 3 साल पहले घटना घटी थी। दो युवक इसमें संलिप्त बताए जा रहे हैं। कोर्ट ने आज उसे दोषी माना और फांसी की सजा दी गई है। बरेली के नवाबगंज में 3 साल पहले 29 जनवरी 2016 को किशोरी के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया था। उसके प्राइवेट पार्ट के साथ भी उसे भी डैमेज किया गया था। जघन्य वारदात को अंजाम दिया गया और आज पॉस्को कोर्ट ने दो युवक को इस मामले में फांसी की सजा सुनाई है।